नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं कि भांडा जो है लीकेज हो गया है, टॉयलेट जो है लीकेज हो गया है। आपको चालू करके दिखा देते हैं पानी। ये देखिए लीकेज हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे लाल कलर का मार्क दिया गया है। ये देखिए यहाँ से लीकेज हो रहा है भांडा। इसे ठीक कैसे करते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो हम लेके आए हैं दोस्तों, तो हमारी वीडियो में बने रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारी वीडियो में। तो इस भांडे को खोल लेते हैं, चलिए फटाफट हम खोल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हमने पाना ले लिया है, ये फिक्स पाना है दोस्तों। इतना छोटा बड़ा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। और इस साइड देख रहे थे जैसे कि वाइसर, पहले जो भांडा लगाया था भांडे में वाइसर नहीं लगाया था, इस साइड वाइसर लगा हुआ है भांडे में दोस्तों। तो इसे खोल लेते हैं, थोड़ा टाइट है और अंदर से घूम रहा था, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, खुल जाता है। ये देखिए हम खोल लेते हैं इसे। तो दोस्तों हम फटाफट से खोल लेते हैं, तब तक दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो देख रहे हैं तो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। तो आगे वीडियो बढ़ाते दोस्तों। तो इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद देखिए जैसे यहाँ का थोड़ा रह गया था तो हम इसे खोल लेते हैं। देखिए अब खुल जाएगा भांडा, तो देखिए खुल गया, वाइसर नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, तो हम निकाल लेते हैं इलाके बाहर भांडे को। ये देखिए आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे देखे थे दोस्तों कितना टाइल नहीं लगा था वहाँ पे, वहाँ का जो भी सीमेंट वगैरह लगा था तो हट गया है। ये देखिए पूरा, और ये नट बोल्ट भी देख लीजिए, सब जगह होल होल दिख रहा है। तो ये नीचे वाले को रूम में लीकेज बता रहा था तो उन्होंने कंप्लेंट डाली थी, तो हम आए हैं इसे ठीक करते हैं। और इसक्रू ड्राइवर से पहले हम सीलमिट जो लगा हुआ है, वाइट सीलमिट पहले का लगाया हुआ था, उसे हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो इसे फटाफट दोस्तों हम साफ़ कर लेते हैं, और फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे भी लगा है तो इसे भी हम साफ़ कर लेते हैं। साफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो पे, वीडियो पे बने रहें। तो ये देखिए एक नट, एक बड़ा है एक छोटा है, देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पे। तो दोस्तों एक छोटा और बड़ा है, और थोड़ा हम पानी ले लिए, पानी लेके ये देखिए तो हम थोड़ा काला सीलमेंट डाल लेंगे, देख रहे हैं जैसे कि हम काला सीलमेंट डाल रहे हैं। तो इसके बाद दोस्तों इसमें हम थोड़ा केमिकल अलग हम लेके आए, और इस केमिकल का नाम हम नहीं बताएंगे, आप बताना इस केमिकल का क्या नाम है। तो चार ढक्कन के हिसाब में हम इसे डाल लेंगे, दो ढक्कन, तीन ढक्कन और एक चार ढक्कन, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फ़ायदा भी करता है तो नुकसान भी करता है ज़्यादा होने के बाद। तो ये देखिए थोड़ा सूखा सीमेंट इसलिए हम मार रहे हैं कि वहाँ पर गीला है, नमी हो गया है, पूरा दीवार में पानी चला गया है। तो केमिकल मिक्स करके दोस्तों ये ऐसा प्योर सीमेंट है, इसमें और कुछ हमने मिक्स नहीं किया है, सिर्फ केमिकल मिक्स किया है। मिक्स करके अब टाइल का अच्छे से भर देंगे वहाँ पे जो टूटा हुआ है, ये देख रहे हैं जैसे हर एक गैप जो भी दिखेगा वो भी भर देंगे। बोल्ट का भी गैप, जो भांडा जिस पे फिटिंग हुआ था बोल्ट पे, उसका भी गैप हम अच्छे से कवर कर लेंगे, और इसे पहले कर लेते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट हम सब जगह पर सीलमिट लगा के आपको आगे वीडियो दिखाते हैं। फ्लस का हम पॉइंट के बाजू में भी सीमेंट लगा देंगे अच्छे तरीक़ा से, ये फ्लस का पानी का पाइप है। तो दोस्तों इसे भी कवरिंग कर दिए हम अच्छी तरीक़ा से, देखिए जैसे देख रहे हैं,
हमारा सब ही जॉइंट जो भी था खुला हुआ सब हम अच्छी तरीका से कवर कर लिए। और सबसे बढ़िया धन्यवाद हम देना चाहते हैं उस प्लम्बर भाई साहब के कि भांडा लगाते समय ये सब जो होल था उन्होंने बंद नहीं किया था, ये सब होल बंद कर देना चाहिए उसी समय ताकि लीकेज हो भांडा तो दूसरे को तकलीफ ना हो। ये लीकेज था दोस्तों यहाँ पे और ये पानी नीचे वाले फ्लोर को सीलिंग से टपक रहा था, पानी ये गैप जहाँ से पाता था वहाँ से पानी लीकेज होके अंदर जाता था, अंदर जाने के बाद नीचे वाले रूम वाले को परेशानी होती थी इस पानी की वजह से। तो आज हम अच्छी तरीका से उस चीज़ को बंद करके आपको दिखा रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप भी अपने खुद के कला से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ फिट किया हुआ है, सिर्फ अपने को खोल के भांडा निकालना है। भांडा निकालने के बाद दोस्तों ऐसा सब अच्छी तरीके से पैकिंग देने के बाद ये भांडे का पाइप जो है कनेक्टर जो डाला हुआ है उस पर हम सिलमिट लगा लेंगे। ये देख रहे हैं जैसे सिलमिट लगा लेंगे दोस्तों बढ़िया तरीक़ा से ताकि वापस लीकेज ना रहे। तो हम अपने हिसाब से लगाते हैं, आप करेंगे तो अपने हिसाब से देख लेना, और ज़्यादा सिलमिट नहीं, अंदर साइड सिलमिट नहीं डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं मैं ज्वाइंट के लिए सिलमिट थोड़ा सूखा लगा रहा हूँ और कोई खास सिलमिट नहीं, और अंदर हल्का हल्का सिलमिट लगा रहा हूँ। देख रहे हैं जैसे चार के पाइप में हम हल्का हल्का सिलमिट लगा रहे हैं, ज़्यादा सिलमिट नहीं लगाएंगे कि नहीं तो पाइप के अंदर जो है वो सिलमिट ज़्यादा हो जाता है तो वही जाम होता है, चौकअप होने की डर रहती है भांडे को। तो यहाँ पे हम दोस्तों हमारे यहाँ भांडा बोलते हैं हम जहाँ पे रहते हैं, और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे कमेंट करें। और बहुत से अलग अलग देशों में बोलते हैं टॉयलेट शौचालय, बहुत से नाम है इसका। तो देखिए दोस्तों हमने अच्छी तरीके से चिपका दिया है भांडे को, चिपका दिया है। तो अब इसे हम यहाँ पे देखिए दोस्तों जगह नहीं ज़्यादा था इसके लिए, वाइसर हम भी नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट लगा दे रहे, देख लीजिए। तो यहाँ पे जो कि जगह था तो इसका वाइसर जो निकला था वो वाइसर सही है, तो वाइसर हम डाल के पैकिंग कर देंगे इसे भी, क्योंकि ये बड़ा बोल्ट है, इसके बाजू वाला जो बोल्ट है दूसरा नंबर का वो इससे छोटा है, सिर्फ दो तीन थ्रेड तक नट ही पकड़ेगा, और वाइसर लगाएंगे तो वो भी नहीं पकड़ेगा। इसके लिए वाइसर हम नहीं डाल रहे हैं, ऐसा ही टाइट कर देंगे देखिए। और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना दिखाएं भांडे पे टॉयलेट टाइट करते समय, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना दिखाएं नहीं तो टॉयलेट सीट टूट सकती है। तो देखिए दोस्तों हमने टाइट कर लिया इस साइड का और ये हमारा भांडा लग के तैयार हो गया, टॉयलेट हम लगा के तैयार कर दिए हैं दोस्तों। तो वीडियो हमारी कैसी लगी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक करिए यार, हमें भी सपोर्ट करिए, हमें भी बोलने के मौका दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों हम बढ़िया से सिलमिट से कवरिंग कर देंगे इसे, ये देख रहे हैं जैसे थोड़ा वाइट सिलमिट हमने गीला बनाया था उससे कवर दे देंगे, ये देखिए, और सूखा सिलमिट से नीचे कवर दे दिया जो काला सिलमिट हमने भरा था तो उसे भी हमने वाइट सिलमिट सूखा से दिया, ये गीला करके पानी डाल के मिक्स करके थोड़ा थोड़ा कवरिंग दे देते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।